हेलो स्टूडेंट्स, तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में आगे बढ़ते हैं। और कल हम लोगों ने पढ़ा पहला टॉपिक कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। आज दूसरा टाइप्स है डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। डीकम्पोजिशन रिएक्शन को समझने के लिए आइए पहले इसके डेफिनेशंस को रीड करते हैं। द रिएक्शंस इन विच ए सिंगल सब्सटेंस इज स्प्लिट्स इंटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंस अंडर सुटेबल कंडीशंस। यानी कि अगर कोई रिएक्टेंट अकेला है, अकेला का मतलब सिंगल है, और उसे हम स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट करने के लिए आप हीट दे सकते हैं। हीट के कई फॉर्म होते हैं। सनलाइट का हीट हो सकता है, या डायरेक्ट आप उसे कम्बशन कर सकते हैं, तो वो स्प्लिट होता है। और अगर स्प्लिट होने के बाद बने हुए सब्सटेंस एक से अधिक होते हैं, यानी कि सिंपली हम कह सकते हैं कि ऐसे रिएक्शंस जिसमें रिएक्टेंट सिंगल हो लेकिन प्रोडक्ट मोर देन वन ऑब्टेंड होते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाते हैं। आइए, इसका एक ट्रिक भी है। जैसे आपने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा है, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन आप कॉम्बिनेशन से ही समझ सकते हैं। क्या होता है? तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज द अपोजिट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी कॉम्बिनेशन में आपने स्टडी किया है कि रिएक्टेंट एक से अधिक होते हैं और प्रोडक्ट एक ही होते हैं, तो इसका अपोजिट अगर हम यहाँ पर रीड करें तो हो जाएगा रिएक्टेंट क्या हो, सिंगल हो, लेकिन प्रोडक्ट क्या हो, एक से अधिक हो। तो इस तरीके से डीकम्पोजिशन रिएक्शंस को हम एग्जाम्पल से आज समझते हैं। देखिए, ग्रीन विट्रियॉल, वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रीन विट्रियॉल के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। इसका केमिकल नेम होता है फेरस सल्फेट हेप्टा हाइड्रेट। फेरस सल्फेट हेप्टा हाइड्रेट FeSO4.7H2O। देखिए, सॉलिड फॉर्म में होता है। थोड़ा सा देखने में कन्फ्यूजन होगा आपको कि यहाँ पे तो सेवन वाटर मॉलिक्यूल हैं, फिर भी ये सॉलिड क्यों होता है। तो देखिए, यहाँ पे FeSO4 ये एज ए सॉल्वेंट बिहेव करता है। सॉल्वेंट का मतलब ये डिजॉल्व करता है। जैसे कि अगर ढेर सारे अमाउंट में आप शुगर ले लें और उसमें एक पॉइंट एक बूंद पानी आप डालें, तो शुगर डिजॉल्व नहीं होता है बल्कि पानी गायब हो जाता है। कुछ ऐसा ही यहाँ पे होता है। फेरस सल्फेट लार्ज अमाउंट में होता है और वाटर लिटिल अमाउंट में होता है, तो यहाँ पे फेरस सल्फेट सॉल्वेंट का काम करता है और यहाँ पे वाटर सोल्यूट का काम करता है। तो सोल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स होने पर जो सॉल्यूशन बनता है वो सॉलिड नज़र आता है। तो इस तरीके से ये सॉलिड सॉल्यूशन का भी एक एग्जांपल होता है जो कंपटीशन में पूछा जा सकता है। तो आइए डीकम्पोजिशन रिएक्शन पे वापस चलते हैं। तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि ये रिएक्टेंट सिंगल है, अकेला है। अगर हम इस पर हीट अप्लाई करते हैं तो इसका स्प्लिटिंग होता है, जैसा कि डेफिनेशन में यहाँ पे स्प्लिट टर्म यूज़ किया गया है। स्प्लिट होता है और ये जो ग्रीन कलर का नज़र आ रहा है, हीट होने के बाद ये ग्रीन कलर नहीं नज़र आता है और वाइट कलर का पाउडर जैसा हमें कुछ सॉलिड सब्सटेंस मिलता है जो फेरस सल्फेट कहलाता है। वाटर यहाँ पे रिमूव हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन रिएक्टेंट सिंगल है लेकिन प्रोडक्ट सिंगल नहीं है, दो टाइप के हैं। तो ये किसका एग्जांपल हो गया? डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। ऐसे ही दूसरे एग्जांपल पे आते हैं। फेरस सल्फेट सॉलिड फॉर्म में होता है, हीट करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। फेरिक ऑक्साइड जो ब्राउन कलर का होता है, और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसेस भी यहाँ पे इवॉल्व होती है। तो यहाँ पे आप देखिए, रिएक्टेंट तो अकेला है लेकिन प्रोडक्ट एक दो और तीन प्रोडक्ट जो अलग अलग नेचर के होते हैं यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो ये भी किसका एग्जांपल हो गया? डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। ऐसे ही लेड नाइट्रेट सॉलिड होता है, इस पे भी हीट अगर अप्लाई किया जाए तो ये भी ब्रेक डाउन होता है और लेड ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस में स्प्लिट होता है। तो रिएक्टेंट एक ही टाइप का है लेकिन प्रोडक्ट यहाँ पे तीन टाइप के हैं। तो ये भी किसका एग्जांपल हो गया? डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन यहाँ पे मैं लेके आया हूँ, वाटर। वाटर को इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। वो इलेक्ट्रोलिसिस आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा, एसिड बेसिस और साल्ट में। वैसे यहाँ पे
आप इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब जान जाइए कि इलेक्ट्रिक 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 आर्क अप्लाई करने पर इस वाटर का स्प्लिटिंग होता है। लिसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन, तो इलेक्ट्रो यहाँ पे इलेक्ट्रिक टर्म से लिया गया है, तो इलेक्ट्रिक देने पर इसकी स्प्लिटिंग होती है वाटर की और ये ब्रेकडाउन हो जाता है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको इन फ्यूचर कई बार आपको ये मिलेगा। ऐसे ही नीचे देखते हैं सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड यहाँ पे वाइट कलर का होता है। देखिए कंपाउंड उसके कलर अभी से याद करना शुरू कर दीजिए। तो सिल्वर क्लोराइड का कलर होता है वाइट, ये सॉलिड होता है। अगर इसे हम सनलाइट में कुछ टाइम के लिए रख दें तो ये सिल्वर क्लोराइड का जो वाइट कलर है ये ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है। इससे पता चलता है कि यहाँ पे कोई रिएक्शन हुआ। तो इस रिएक्शन को अगर प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं तो सिल्वर क्लोराइड स्प्लिट होता है सनलाइट के प्रेजेंस में और सिल्वर सॉलिड मिलता है जो ग्रे कलर का नजर आता है और क्लोरीन गैस इवॉल्व हो जाती है। तो ये भी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। ऐसे यहाँ पे देखिए सिल्वर ब्रोमाइड, ये भी सॉलिड है लेकिन इसका कलर आप देख सकते हैं लाइट येल्लो होता है। तो सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट में रखने पर इसका जो लाइट येल्लो कलर होता है वो भी ग्रे में कन्वर्ट हो जाता है, यानी केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हुआ है। तो क्या हुआ है, तो सिल्वर ब्रोमाइड को जब आपने सनलाइट में रखा है तो ये सिल्वर और ब्रोमीन में स्प्लिट हो गया है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, रिएक्टेंट सिंगल टाइप, प्रोडक्ट मोर देन वन टाइप। तो ये क्या हो गया, डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। ऐसे ही दो और इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसके एग्जाम्पल के रूप में मैं यहाँ पे रखा हूँ, जैसे पोटेशियम क्लोरेट, वेरी इंपॉर्टेंट, पोटेशियम क्लोरेट को हम हीट करते हैं तो ये पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस में स्प्लिटिंग होती है। यहाँ भी रिएक्टेंट एक टाइप का है, प्रोडक्ट दो अलग अलग हैं, तो ये भी क्या हो गया, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ऐसे एक बहुत ही फेमस रिएक्शन है जो आपको हमेशा हर क्लास में मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन के नाम से फेमस है। इसे हीट करेंगे तो क्विक लाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड आपको ऑब्टेंड होते हैं। तो यहाँ भी रिएक्टेंट एक है और प्रोडक्ट एक से अधिक है। तो इस तरीके से आपने ढेर सारे एग्जाम्पल के साथ डीकम्पोजिशन रिएक्शन को स्टडी किया। उम्मीद करता हूँ आप सभी को यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।